हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रोहिणी मयूर एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे ये प्यार करने वालों का दिन होता है, तो आज हम प्यार से एक रेसिपी बनाएंगे। तो वो रेसिपी का नाम है हरा भरा कबाब। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये हरा भरा कबाब बनेगा और ये स्टार्टर के लिए भी बहुत अच्छी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी हेल्दी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स रहते हैं। तो आज हम हमारे वैलेंटाइन को ये हरे भरे कबाब खिलाएंगे। चलिए दोस्तों, अब रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हरा भरा कबाब बनाने के लिए हमें यहाँ पर लगेंगे पालक के कुछ पत्ते, हमने यहाँ पर काट कर लिए हैं अच्छे से धोकर। स्प्राउटेड हरे मूंग लिए हैं यहाँ पर, और हरे मटर, बारीक कटा हुआ प्याज, काजू लिए हैं कुछ, कॉर्नफ्लावर लिया है हमने थोड़ा सा, और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए हमने 2 से 3 ब्रेड को थोड़ा सा काट कर मिक्सी में एकदम लो स्पीड पर 1 से 2 बार चलाया था। उसके बाद हमें लगेंगे यहाँ पर 3 उबले हुए आलू, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन की पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चाट मसाला, और सूखे मसालों में और हमें गरम मसाला लगेगा, जीरा और धनिया का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और राई, और स्वाद के अनुसार नमक। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस के ऊपर एक पैन रख दिया है, या फिर कढ़ाई रख दीजिए, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें जीरा और राई डालेंगे। एकदम मस्त यहाँ पर तड़का लगा है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे, एकदम उसका कच्चापन पूरा जाना चाहिए, तब तक हमें इसे भूनना है जब तक कि उसका कलर चेंज नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़े से कैश्यू नट्स डालेंगे, थोड़े से काजू डालेंगे। काजू से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ही हरी मिर्च यूज़ की है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे खाने वाले हैं, तो आप हरी मिर्च आपको पसंद है तीखा तो और ज़्यादा डाल सकते हो। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। उसके बाद हम इसमें हरे मटर डालेंगे, और हमने यहाँ पर अंकुरित किए हुए हरे मूंग डाले हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं दोस्तों। और अब हम इसमें हमने पालक डाला है, तो ये पालक के पत्ते जो है हमने धोकर इसे फिर काट लिया था, तो ये बहुत सारे हमने यहाँ पर पालक के पत्ते डाले हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच, और अब हम इसे ढक देते हैं। तो यहाँ पर हमें सब्जियाँ थोड़ी सी ही पकानी है। तब तक हम जो हमने उबले हुए आलू लिए थे उसको हम ग्रेट कर लेते हैं। तो हमने ये सभी आलू अच्छे से यहाँ पर ग्रेट करके लिए हैं। तब तक हमारी सब्जियाँ भी पक जाएगी। तो ये हमें पूरी पकानी नहीं है, सिर्फ आधी ही पकानी है। और हम इसमें हरा धनिया डालना भूल गए, तो अब हम इसे काट कर लेते हैं हरा धनिया, और वो भी हम पालक के साथ सब्जियों में डाल लेते हैं। दोस्तों, उसमें और भी हम सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च है, फ्रेंच बीन्स है, तो वो भी हम उसमें डाल सकते हैं।
तो हम ये हरा धनिया डालकर फिर से इसे एक मिनट के लिए पकाते हैं। तो ये एकदम ताज़े मटर है और पालक भी बहुत जल्दी से पक जाता है, इसलिए हम इसे सिर्फ 2-3 मिनट तक ही इसे हमें पकाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और ये सब्जियां थोड़े से ठंडी होने देते हैं और फिर हम इसे मिक्सी में थोड़ा सा हमें इसे दरदरा पीसना है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाई तो भी चलेगा, सिर्फ दरदरा इसे हमें पीसना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे हम और इसमें ये हमने जो ये हरी सब्जियों का पेस्ट बनाया था ये डाल लेते हैं। और जो हमने ग्रेटेड आलू साइड में रखे थे वो भी इसमें हम डाल लेते हैं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, फिर 1/2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर, और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर गरम मसाला डाला है, और चाट मसाला थोड़ा सा डालना है हमें 1/2 चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इससे हमारे कबाब जो है एकदम ज़्यादा चटपटे बन जाएंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, ये बाइंडिंग के लिए है तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो ये अभी थोड़ा सा हमें स्टिकी लगेगा या चिकना लगेगा, लेकिन कबाब ऐसे ही होते हैं, मुँह में डालते ही वो मुँह में घुलने वाले कबाब बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हमारे कबाब ये बनेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये डो बनाना है और इसमें हम डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स, 2 से 3 चम्मच या फिर 2 ब्रेड स्लाइस के हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स इसमें डाले हैं, और फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये कबाब बनाने का मिक्सचर यहाँ पर हमारा रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे या फिर गोल गोल शेप में इसके हम कबाब बनाएंगे, और ऊपर से हम एक काजू भी इसको लगाएंगे, और ब्रेड क्रम्ब से इसे हमें कोट करना है ताकि हमारे कबाब जो है वो एकदम क्रिस्पी बन जाए या फिर थोड़ा सा इसमें क्रंच आ जाता है उससे। तो इस तरह से सभी कबाब हम ऐसे ही इसी प्रोसेस से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए राउंडर शेप के कबाब, और तो ये रेसिपी हम वैलेंटाइंस डे के लिए स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, इसलिए हार्ड शेप के हम कुछ कबाब बनाएंगे। तो ये शेप मेरे पास केक बनाने के लिए अवेलेबल था इस टाइप का, तो मैंने वही यूज़ किया है ये कबाब बनाने के लिए। सिर्फ वो शेप में ये मिक्सचर हमें डालना है, ब्रेड क्रम्स आगे और पीछे पूरा उसे कोट कर लो, और बन गए हमारे हार्ट शेप के कबाब। तो इस तरह से हम सभी हार्ट शेप के कबाब बना कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस साल आप अपने वैलेंटाइंस के लिए ये दिल वाले या फिर ये हार्ट शेप वाले कबाब ज़रूर उनको खिलाना, और गारंटी के साथ कह सकती हूँ एकदम खुश हो जाएंगे, एकदम दिल में ये उतरने वाले ये कबाब है, दिल वाले कबाब, तो कितने प्यारे दिख रहे हैं दोस्तों।
आप देख सकते हो यहाँ पर उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी है, उतने ही ज़्यादा ये हेल्दी हैं। और ये हमारे कबाब सभी बनकर यहाँ पर तैयार है और अब हम इसे शैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, तो आप अभी देख सकते हो एक पैन, कोई भी नॉनस्टिक पैन या फिर कोई भी तवा ले लीजिए और उसके ऊपर ये हम शैलो फ्राई करके लेंगे। तो पैन रख दिया यहाँ पर, थोड़ा सा तेल इसमें डाल लेते हैं, तेल थोड़ा सा गर्म होने देंगे और ये कबाब इसमें डालेंगे और एक साइड से पूरा एकदम अच्छे तरह से इसे सेकना है। फ्रेंड्स इसे हम पूरा डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कम तेल खाना पसंद है तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक साइड से पूरा इसे कुक करना है, उसके बाद हम दूसरी साइड से इसे फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखनी है, एकदम हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो पूरा रेड कलर आ जाएगा या फिर जल जाएंगे कबाब इसलिए। तो इस तरह से अब इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे तरह से इसे फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सभी कबाब इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स आपको ये भी तेल अगर ज़्यादा लग रहा है तो एकदम नॉर्मल हमारा नॉर्मल कोई भी तवा ले लीजिए और एकदम कम तेल में इस तरह से आप इसे फ्राई कर सकते हो। बहुत टेस्टी लगते हैं ये कबाब। और ये दिल वाले कबाब मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बनाए हैं, आई विश उनको ये अच्छे लगे और मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं और उनके लिए ये सरप्राइज़ है। तो दोस्तों आप भी आप अपने वैलेंटाइन के लिए बनाकर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि उनको कैसे लगे या फिर आपको कैसे लगे। और अगर आपको ये आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ आप इसे शेयर कर सकते हो। और फ्रेंड्स ऐसे ही खास खास रेसिपीज़ हमारे चैनल पर रोज़ आती रहेंगी, तो इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियोस आप देख सको। और साथ ही साथ वो बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि कोई भी नया वीडियो हमने इसमें डाला तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स हरा भरा कबाब आप ज़रूर खाकर देखना। फिर से एक बार आपको आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही खास रेसिपी के साथ, तब तक Stay happy, stay healthy. Thanks for watching. Bye-bye.